हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई थी, जो उसी के बारे में ही उसी से रिलेटेड वीडियो है, तो मैं अपडेट नहीं कर पाई थी आप लोगों को। तो मैंने सोचा आज मैं अपडेट कर देती हूँ। तो मैं उस टाइम पे आपको अपडेट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग उन सब चीज़ों में थे, तो इसलिए अपडेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अभी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी वापस अपने ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप जल्दी ही मैं अपने ट्रैक पे वापस आ जाऊँगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी जो पेमेंट है उसको आने में कितना टाइम लगा है, या $100 कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम लगा है। आज हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं। तो गाइज़, $100 मेरे कंप्लीट जिस मंथ हुए थे उसी के, मान लो मेरे जो अप्रैल वाले हैं वो आपको मिलेंगे मई में, ठीक है? जो मई की 21-22 तारीख होती है उस टाइम पे आपको आपके पेमेंट रिसीव होती है। तो मेरा भी ऐसा ही मंथ कंप्लीट हो गया था, और उसके लेकिन मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया था, ना ही मेरे जैसे वहाँ से यूट्यूब की साइट से मेरे को कोई मेल वगैरह भी नहीं आई थी कि आपका इतना पेमेंट हम यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया था मुझे। सीधा मैंने SBI का अपना जो मेरा मेन अकाउंट है SBI का, मैंने वो ही उसके साथ लिंक किया था, और मैंने खुद से सारी प्रोसेस करी है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है गाइस, आप भी अच्छे से खुद से अपने आप, बस यही केयरफुली आपको हर एक चीज़ करनी होती है। क्योंकि देखिए, जो आपका पिन आता है उस पिन को आने में भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ फॉर्म में कुछ गलत किया है या कुछ भी। मेरा पिन मतलब आ गया था, 10-12 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो गया था। वैसा ही सेम जब मेरे $10 कंप्लीट हुए, तो उसके बाद पिन आया, मैंने खुद उसको फिल किया, उसके बाद मैंने अपनी बैंक डिटेल्स फिल करी, सारी मैंने खुद से करी। उसके बाद में जैसे ही मेरे $100 कंप्लीट हुए, तो उसके बाद तुरंत ही, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ऐसा यूट्यूब की साइड कुछ मेल वगैरह नहीं आया था, क्योंकि मैंने चेक किए थे सारे मेल्स वगैरह, तो वहाँ से कुछ मुझे ऐसा मेल वगैरह नहीं आया था कि भाई आपके $100 कंप्लीट हो गए हैं या हम आपकी फ़र्स्ट पेमेंट रिलीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सीधा मेरे SBI का जो जब आपका जो मैसेज आता है वही नॉर्मल बैंक का मैसेज मेरे पास आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ, अगर आप सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली करते हैं तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको किसी की कोई भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि मैंने तो घर में भी किसी की हेल्प नहीं ली, मैंने सीधा हर एक चीज़ मैंने यूट्यूब पर देखी और उसके बाद मैंने उसको फॉलो किया है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी यूट्यूब पेमेंट अटक जाती है, वो आप गलतियाँ करते हो तब अटकती हैं, बस ये है कि जब तक आपको मिल नहीं जाती है तो आप लोगों को बहुत डर रहता है ना। वैसे ही मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अगर एक बार आ गई उसका मतलब फिर तो कंटिन्यू आएंगी आएगी, है ना, कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन ये हम लोग बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो मेरी पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, मेरी पेमेंट टाइम से आई थी, और बस, और यही सारी बातें जो मेरे को आपको बतानी थी। और अभी मेरी जो वीडियोस हैं वो धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आने की वापस कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल भी ओपन हो चुका है, स्कूल खुल गया है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, और टाइम बहुत ही कम हो रहा है, मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तो घर की सारी चीज़ें समेटने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो अभी हम शुरू करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, फिर से अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, बच्चों से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।